हाँ जी, पशुपालक वीरो सारे नूं सति श्री अकाल जी। सर्दियां दा सीजन शुरू हो चुका है जी। सो सर्दी शुरू होण नाल देखो जिवें साडा हुण चारा बदल चुके है। चारा जिहड़ा साडे कोल पहलां 7% प्रोटीन वाले चारे सीगे, साडे कोल घट प्रोटीन वाले चारे सीगे, हुण साडे कोल ज़्यादा प्रोटीन वाले चारे आ गए है। जिवें साडा बरसीम है जां राइका है, ये चारे हाई प्रोटीन चारे है। और जदों भी साढ़े कोले सर्दियां दे सीजन की शुरुआत होंदी है, चारा बदलता है, तो बहुत बारी की होंदा है भी साढ़े पशु पालक जिहड़े हैगे फीड दे विच लोड़ अनुसार बदलाव नहीं करते हैगे। एक गल तुसीं खास ध्यान रखनी है भी सर्दियां दे मौसम दे विच जदों भी तुसीं बाजार तो लिया के फीड पाउणी है जां अपनी फीड बनवाउणी है, तां तुसीं इह ध्यान रखना है भी एक क्वांटल फीड दे विच किसी भी हालत दे विच जिहड़ी खलां दी मात्रा है वो 30 किलो तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जे साडे कोले खलां दी मात्रा 30 किलो तो ज़्यादा होएगी तां देखो बरसीम जां राई घाह असीं कुछ भी पा रहे हैं, चाहे इहदे नाल की हुंदा है भी देखो एक तां साडी आदत है भी असीं चारियां दे विच यूरिया जां रूड़ी दी खाद बहुत ज़्यादा पा दिंदे हां। उहदे नाल जिवें पिछले बारी भी गल कीती सी भी जदों नाइट्रोजन ज़्यादा जाएगी फीड दे विच जब प्रोटीन ज़्यादा जाएगी तब पशु गब्बन नहीं होंगे, क्योंकि खून दे विच यूरिया की जिहड़ी मात्रा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो आम तौर पर सर्दियों के 30, 35, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml देखी जाती है। सो वो एक मेन कारण है जिदे करके पशु दियाँ तारा घसमैलियाँ हो जाती हैं, पशु गब्बन नहीं होंगे। सो सर्दियों के असी इस गल का खास ध्यान रखना है भी चारे जिहड़े हैगे साडे ये हाई प्रोटीन वाले है, असी इन्हां दे नाल फीड दी प्रोटीन है जिहड़ी वो खलां दी मात्रा 30% तो वध नहीं रखनी हैगी। दूसरा देखो की हुंदा, एक होर चीज़ भी है इहदे नाल ही जुड़ी हुई, असी आम तौर पर सर्दियाँ शुरू हुंदे ही जिहड़े हैगे परदे जां बोरियां दे बना के जिहड़े असी कह दिंदे झुल जे बना के असी ला दिंदे हां, ये आम ही प्रचलित है चीज़, पर ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो जिन्नियां गैसा निकलनियाँ गोहे चो, अमोनिया गैस है या पेशाब चो गैसा निकलनी है, ये सारिया गैसा जिहड़ियां हुंदियां ये हल्कियां गैसा हुंदियां, इन्हां ने उपर नूं जाना है हवा वल नूं, और उपरों असी सारा कुछ बंद किया वै। जे तुहाडे शैड दे विच उपर रोशनदान नहीं हैगे, जिवें कि आम तौर पर शैडां च नहीं हुंदे हैगे, तां इह गैसा पशु दे साह राहीं अंदर जाई जानी है, उहदे नाल भी पशु दे खून दे विच यूरिया दी मात्रा वध जांदी है और पशु गब्बन नहीं हुंदे हैगे। इस करके सर्दियां दे विच जदों भी परदे लाउणे है, जदों भी असी अपने शैड जां ढारे बंद करने है, उपरों जिहड़ी हैगी 1 तों 1.5 फुट जगह छत वल्लों खाली छड्डनी है, नीवे करके परदे लाउणे, बिल्कुल उपरों नहीं लाउणे। जिन्ने भी मैं फार्म देखदा छोटे पशु पालक खास करके ਉੱਥੇ ਪਰਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖੋ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਓ ਅਕਸਰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕੀੜੇ ਹੈ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਫੀਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਕ, ਕੋਪਰ, ਕਵਾਲਟ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਆਇਓਡੀਨ, ਆਇਰਨ, ਕਰੋਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਲੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ A, D3 ਅਤੇ E। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ 15-20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ, 150 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25-30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14-15 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਅਰ ਟੈਗ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਈਅਰ ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ 12 ਡਿਜਿਟ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਨ 1 ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ 2014 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 2014 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਾਫ। ਇਨਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਔਨ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਗ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਗ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ 5% ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3% ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ 1% ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ, ਆਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੈਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਟੈਗ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਪ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਾਫ ਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ, ਉਹ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। 2014 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਮੁਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲੱਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 15-20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਮੱਝਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਐਂਟਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
अज जी इनब्रीडिंग है, जे थोड़े को पता है भी मेरी मझ की जी पिछले सूए मझ में जो कि टीका लग्या सी जा कट्टी अगे आ गई है ज बच्छी अगे आ गई है वह किड़े टीके की है, तो तुसी टैग भर के तुरंत अपने मोबाइल पर ही देख सकते हो। उहदे नाल की होगा भी तुहानू पता तो लग जूगा ना भी ये कट्टी नू वो टीका ना लगे द्वारा जिहड़े टीके नाल ये पैदा हुई है। ये इनब्रीडिंग यही जी है भी जदों साडे कोल एक वारी नसल दे विच रिश्तेदारी च मिलाप हो गया तां वो पशु साडे कोल जे 10 साल रहा तां असीं 10 साल उहदा की करांगे, उस च दुध बिल्कुल बहुत घट जूगा, बीमारियां बहुत ज़्यादा वध जाणगियां। इस करके आपां ना इह जिहड़ियां चीज़ां दा आपां विरोध ना करिए। आपां तां देखो मेरे अपने साडे एरिए च असीं 90% तो वध पशु पालकां दे टैग ला चुके हैं। इहदे नाल की होया भी उहनां दा रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन हो गया, उहनां नूं कोई ब्रीडिंग की चिंता नहीं, पिछले साल किहड़ा सीमन लगाया, कदों मझ ने सूना है, कदों मझ ने की करना, सारा कुछ उहदे च पता लग जांदा है। उस तों बाद बीमारियां दा रिकॉर्ड, जे मूंह खुर वैक्सीन है जिहड़ा ये नैशनल एनीमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोजैक्ट है NADCP, ये हुण असी दो बीमारियों पर काम कर रहे हैं, एक मूँह खुर ते एक बरसैला। ये बिल्कुल मुफ्त है और ये टीका लग के सॉफ्टवेयर जो एंटर होगा तो ही साडा रिकॉर्ड रहूगा। तुसी देखो अज असी दुध के रेट की जदों गल करते हैं तो मूँह खुर ते बरसैला एक दो अहिजियां चीज़ां ने, खास करके मूँह खुर जिदे करके साडा दुध बाहरले देशों नहीं जाता है। असी देखो 17-18% दुध पैदा कर रहे हैं दुनिया का, पर जे साडा एक्सपोर्ट शेयर जिहड़ा असी बाहर भेजते हैं वह 0.5% भी है नहीं, मतलब कि 17% असी दुध पैदा करते हैं तो 0.5% जिहड़ा एक्सपोर्ट शेयर भी साडा है नहीं गा। है ना, देखो जे असी लाहेवंद बनाउणा डेयरी फार्मिंग नूं तां सानूं नवीं टैक्नोलॉजी नूं बिना विरोध के अपनाना पेगा। सो आधार कार्ड जिहड़े हैगे पशुओं के, ये 12 डिजिट टैग लवाओ, इनू सॉफ्टवेयर च एंटर करो, जदों भी थोड़े मूँह खुर का टीका लग गया वो एंटर हो जाना है। जदों थोड़े ब्रुसैला का टीका लगेगा कट्टियां बच्चियां नू जिन्हां दी उम्र 4 तों 8 महीने है, तो जिहड़ा ये टैग है जां जिहनू असीं आधार कार्ड भी कह दिंदे आ पशु का, उहदी 1-0 जिहड़ी हुंदी है उहदे विच उन्होंने मोरी कर देनी है। मोरी करन नाल की होगा भी सानू पता लग जूगा भी ये कट्टी दे ब्रुसैला की वैक्सीन होई हुई है। पंजाब च 20 लाख पशु ब्रुसैला तो पीड़ित है और जिन्ना पशुओं वास्ते खतरा है उन्ना ही साढ़े जिहड़े बच्चे है, खास करके साडे जवान मुंडे कुड़ियां, ब्रुसैला का जवान बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा खतरा है। सो इस करके आपां इहदी वैक्सीनेशन करिए, वैक्सीनेशन ही इहदा एक हल है, इलाज कोई नहीं हैगा। सो इस करके मैं सारयां नूं कहूँगा भी इह जिहड़ी जानकारी तुहाडे कोल कृषि हैल्प राहीं पहुँच रही है इहनूं तुसीं बाकियां नूं भी दसो और आपां सरकार दा इहदे विच सहयोग करके हरेक पशु दे कट्टी बच्छी कट्टा जिहड़ा मर्जी तुहाडे पशु है उहदे टैग लवाइए और टैग लवा के असीं उहनूं चैक करिए मोबाइल ते भी हाँ ये साडा टैग कंप्यूटर च दर्ज होया जां नहीं होया। और जिहड़ा तुहाडे नेड़ला हस्पताल है तुसीं उह च वी जाके अपने लैपटॉप दे विच जिहड़ा साडा सरकारी डॉक्टर कोल लैपटॉप होएगा जां मोबाइल होएगा उहनां कोल एक्सैस हुंदी है, पासवर्ड ते हुंदे आ एक्सैस, उह सारा कुछ तुहानूं देख के पासवर्ड भर के दस दिंदे आ, उहदा पूरा रिकॉर्ड तुहाडे पशुआं तुहानूं कढ के दे जांदे आ। और फ्री च एक सर्टिफिकेट थोड़ा जां सर्टिफाइड थोड़ा एनीमल हो गया भी ये पशु का इन्ना दुध है। असी जिन्ने मर्जी दावे करी चलीए पर जे सरकारी कागज़ नहीं मानता ना भी यदा पशु का दुध किन्ना है उदी कोई वैल्यू नहीं। ये सर्टिफिकेशन है पशुओं की और सर्टिफिकेशन वाले पशु तुसी देखे भी साढ़े हरियाणे च आम तौर पर जां पिछे पंजाब दे विच भी 25-25, 30-30 लाख रुपए दीआं मझां विकी हैं और गावां साडियां पिछे जिहड़ियां मेले च फस्ट आईयां सी 5-5, 6-6 लाख रुपए दीआं गावां विकी हैं। अगे तुसीं देखो 16, 17, 18 दसंबर नूं PDFA जिहड़ी प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसीएशन है वो चवाई मुकाबले करा रही है जगराओं च। पहली गल तो बड़ी खुशी की गल है भी चवाई मुकाबले चलो दोबारा शुरू होए, बड़ा सी ये वधिया होया।
पर यह ध्यान रखो भी पशु की पहचान जरूरी है। पहचान कहदे नाल होगी, टैग नाल जां चिप नाल। चिप तो 300 रुपए की है, तुसी जे चिप पाउण चल जाओगे किन्ने पशुओं के चिप पाओगे, टैग बिल्कुल फ्री है। दूजी गल, चिप तो कंप्यूटर च साडी एंटर नहीं होनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिहड़ा सिस्टम है टैग एंटर होएगा और उत्थे चैंपियनशिप च उही पशु भाग लै सकेगा जिहड़ा वैक्सीनेटड होएगा। जे तुसी वैक्सीन नहीं लवाओगे, टैग नहीं लग्या होएगा, तो तुसी वो चैंपियनशिप च नहीं भाग लै सकोगे। सो इस करके इस साडा अपना भी बचा है और साडे समाज का साडे देश का भी इस फायदा है। और दुध के रेटा च भी असी बड़ी मदद कर सकते हैं जे असी पशुओं की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करा के प्रॉपर टैग लाइए। सो इस करके ये बारे मैं तां विस्तार च गल कीती है भी सानू ये चीज़ों बारे कई बार पूरी तरह समझ नहीं आती हैगी। कई साडे वीर इस तरह मैं देखे भी वो टैग बाद च कट देंदे है। ये याद रखो, दसना साडा फर्ज है। जे तुसी नहीं मनोगे तो तुहाडा नुकसान है। जे पशु का कोई नुकसान है तो सब तो ज़्यादा फर्क जिहड़ा हैगा वो पशु पालक नूं ही पैंदा हैगा। एक एक लख रुपए का पशु है अज जिहड़ा कि तुसी देखते हो भी जदों असीं सही ध्यान नहीं रखते तो नुकसानिया जांदा है। मूंखुर एक बार तुहाडे फार्म ते आ गया, 3 to 4 साल तुसीं पछड़ जाना। और अज दे महंगाई दे दौर च जिहड़ा 3 to 4 साल पछड़ गया वह तो कदे भी नाल नहीं रल पाएगा। अखीर ते देखो, एक जिहड़ियां फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ओदियां नवीं रेगुलेशन आ गई, उस उन्होंने की किया कि जिहड़ा SMPS स्किम मिल्क पाउडर, WMP जिहड़ा होल मिल्क पाउडर ते मिल्क, इन सारियां दी जिहड़ी एफलाटॉक्सिन की लिमिट है वह निर्धारित करती है। देखो चंगी चीज़ की हो रही है जिहड़ी असीं नहीं देख रहे भी FSSAI ने हुण फूड दे नाल फीड का भी कंट्रोल लै लिया। हुण जिहड़ी एनीमल फीड है उहदा भी कंट्रोल FSSAI ने लै लिया। जिहड़े माड़े क्वालिटी के रा मटीरियल पशुओं च वरते जाते सी, माड़ी क्वालिटी की कणक, मक्की, खल, चोकर, उहदा असर दुध राही, पनीर राही, दही, लस्सी राही साडे ते भी आउंदा सी। हुण इह काम बंद हो जूगा, हुण इदां नहीं हो पाऊगा जी। आने वाले समय चैकिंग बाजू उहदी जिहड़ी लिमिट बनाई है FSSAI ने, वह तुहानूं मैं दसूँगा। जिवें दुध की लिमिट हैगी 0.5 PPV जां माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, स्किम मिल्क पाउडर की 6 है तो होल मिल्क पाउडर की जिहड़ी हैगी इह 4 माइक्रोग्राम है। सो ये जिहड़ियां चीज़ां हो रही हैं इच देखो साडे वास्ते पशु पालक के तौर पर की कम की चीज़ है, वो ये है भी आने वाले समय के मैं हमेशा कहना भी अगले 2 साल बाद साडे वधिया क्वालिटी की कणक, आटा, चावल, दुध, दही, पनीर, लस्सी, इहदी मंग बहुत ज़्यादा वध जानी है। सब्जियां की मंग वधिया वध जानी है, फलों की मंग बहुत ज़्यादा वध जानी है। जिहड़ियां होर चीज़ां ने हौली हौली उन्हां दी जिहड़ी जिवें जंक फूड है, जंक फूड का एक समा सीगा हुण हौली हौली थल्ले नूं आ रहा हैगा। सो तुसीं अपनी जमीन नूं, अपने पशु धन नूं बचा के रखो। समा साडा आ रहा है जिहड़ा आने वाला 2020 तों 2025 दे 5 साल ने, क्योंकि असी कई बारी आले दुआले जिस तरह अजकल खेती ऑर्डीनेंसा करके बहुत ज़्यादा नैगेटिविटी का माहौल बनया, निराशा का माहौल है। देखो सुधार हो रहा, बदलाव जदों होंदे है हमेशा बदलाव थोड़े जे औखे होंदे है, पर जे तुहाडे कोल अगले 2 साल वधिया क्वालिटी का अनाज होएगा, वधिया क्वालिटी का दुध होएगा, तो रेट की तुसीं चिंता ना करो। रेट बहुत वधिया मिलने वाला है, क्योंकि जदों असीं पिंडां तों निकल के वड्डे शहरां च जांदे हां, जिवें चंडीगढ़ है, देखो चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला जिहड़ा है अज 10 लाख लीटर तो उपर रोज़ की दुध की मार्केट है। तुसी सोच के देखो भी साढ़े असी आले दुआले देखिए तो साढ़े पंजाब 5-6 इदा के शहर है जिमें पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, पठानकोट, गुरदासपुर, जिथे दुध की बहुत वड्डी मार्केट है, लोगों को वधिया दुध नहीं मिलता। सो सर्दियों के सीजन जो साढ़े को दुध की भरमार होंगी है तो असी एक बारी सीधे गाहक नाल जुड़न की कोशिश करिए। 12 to 13 रुपये लीटर असी सर्दियों के 1 लीटर पिछे वाधू कमा सकते हैं, पर जे असी सिर्फ सहकारी या प्राइवेट अदारों पर डिपेंडेंट रहेंगे। देखो मिल्क पाउडर के स्टॉक जिवें तुहानूं दस्सिया 2 लाख टन के करीब हो गया, इदा नहीं गल बननी हैगी।
जिन्नी प्रोडक्शन जरूरी है, पैदावार जरूरी है, मार्केटिंग भी उन्नी जरूरी है। जे वधिया पैदा करना है तो वधिया बेचना भी पैना है। सो इस करके सर्दियां च असी ये गल का ध्यान रखिए भी दुध के रेट है जिहड़े यह जिहड़े सहकारी इदारे है उन्हां वल्लों दुध के रेट घटाए जा सकते है, जिमें कि लग रहा है हर सर्दी जी रेट घटते हैं, पर इस बार 4-5 रुपए तक भी 1 लीटर दुध के रेट घट सकते हैं। सो हुण सर्दियां साडे कोल कम भी खेतीबाड़ी दे जिवें कणक की बिजाई तो बाद इन्ने ज़्यादा कम नहीं होंदे हैगे, असी दुध की जिहड़ी मार्केटिंग है दुध दही लस्सी पनीर घिओ ये चीज़ां बना के बेचना शुरू करिए। सिर्फ इस गल ते ध्यान ना दईए भी मिलावटखोरी बहुत है मिलावटखोरी बहुत है, मिलावटखोरी कंट्रोल हो जूगी पर वधिया दुध की डिमांड भी बहुत है। शहर की हर कलोनी दे विच 20-25-30 घर इहे जिहे तुहानूं मिल जाणगे जे तुसीं जाओगे, जिहड़े कहणगे सानूं दुध वधिया मिलना चाहिए, चाह वधिया बननी चाहीदी है, घिओ वधिया बनना चाहीदा, असीं पैसे देण नूं तैयार। सारे नहीं खर्च कर सकते पर खर्च करन वाले बहुत ने। सो ये चीज़ों का आपां ध्यान रखिए। बाकी देखो जिहड़ियां 3 समस्यावां सानूं इस मौसम च आउणियां अगले दे विच, मिसटाइटस की नंबर 1 गल करते हैं। मिसटाइटस का ध्यान रखना है तुसीं, मिसटाइटस मेनली मैं कहना हुंदा भी फीड की क्वालिटी पर निगाह रखो, अचार की क्वालिटी पर निगाह रखो, साफ सुथरा अनाज मक्की कणक बाजरा जो भी तुसीं वरतना है वरतो। दूजे नंबर पर रिपीट ब्रीडिंग है जिहड़ी पशुओं के गब्बन होने की समस्या है, उहदे बारे तुसीं सिर्फ यही ना ध्यान रखो भी एंटीबायोटिक जां हारमोन वरतने हैं, खुराक सही करो, चारे नूं चारे दे मुताबक तुसीं फीड च बदलाव करो, इहदे बारे थोड़ा जागरूक हो जाओ। देखो असी कई बार डॉक्टरी चीज़ों वल ध्यान दिंदे हां, दवाइया का खर्चा साडा हुंदा है फार्म का 3-5% टोटल खर्चे का, जे मान लो 1 लाख रुपया खर्चा हुंदा तो 3,000-5,000 हुंदा दवाइया का, 70-75,000 हुंदा खुराक का। सो ये 70-75,000 बारे असी अखां ना मीचिए, ये बारे जागरूक होइए सर्दियों, क्योंकि खर्चा है बहुत ज़्यादा बच जाता, फीड ज़्यादा पाऊगी दुध ज़्यादा होगा। तीजे नंबर पर जिहड़ियां मैटाबोलिक बीमारियां ने उहदे बारे आपां आने वाले लैक्चर विस्तार से गल करांगे। उस सब तो पहली गल है जेरना पैना, दूजे नंबर पर पशु का जिहड़ा पूरा दुध ना उतरना, तीजे नंबर पर कीटोसिस जां दुध की खार जिहड़ी हैगी जिहदे नाल पशु नैगेटिव एनर्जी बैलेंस चलाया जाता है, पशु का वजन बहुत ज़्यादा घट जाता है। चौथे नंबर पर जिहड़ी हैगी देखो भी पशु हीट च जां तां आउंदे नहीं, जा असी सवेरे सर्दियों जे तड़के वेले उठ के नहीं देखते तो हीट मिस हो जाती है, क्योंकि सवेरे सवेरे असी जे देखिए पशु के पिछले पासे जिहड़ा गोहा किया हुंदा है उते जाले जां तारा नज़र आउणगियां। कई बार साडे उठन तक जिहड़ा भइया हुंदा उह गोहा गोहा चक दिंदा सानू पता ही नहीं लगता। सो सवेरे तड़के उठ के असी पशुआं दे पिछे जरूर एक बारी देखिए बई किसी पशु के पिछे गोहे ते तारा तो नहीं पईआं जां पूछ लिबड़ी तो नहीं हुई हैगी। उस तो बाद तुसी ध्यान रखना भी पशु नूं खुराक दुध के मुताबक मिले, मान लो जे मझां च 10 किलो दुध है तो 5 किलो संतुलित खुराक मिले, जे गावां च 10 किलो दुध है जां 15 किलो दुध है तो 400 ग्राम के हिसाब नाल 1 लीटर पिछे 10 किलो दुध पिछे 4 किलो खुराक मिले। सो खुराक नूं सही मायने च संतुलित करना सर्दियों बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनू असी कह दिंदे आ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मिल्क यील्ड विद फीड, भी दुध के मुताबक असी खुराक पाउणी है पशुओं नूं। सो इस करके सर्दियों चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी बीमारियां थोनों मैं दसती हूँ, पहला मूँह खुर का बहुत ध्यान रखो, कट्टियां बच्चियां जिहड़ियां हुण पैदा हुई हैं पिछले 2 महीनों च इन्हां नूं अगले 2-3 महीने बाद पूरा इन्हां नूं जिहड़ी हैगी सही डीवर्मिंग पेट के कीड़ियां की दवाई दो, संतुलित इन्हां वास्ते काफ स्टार्टर काफ ग्रोअर दो। उहदियां पिछलियां वीडियो जिहड़ियां हैगियां तुसीं देख सकते हो, मेरियां पिछलियां वीडियो कृषि हैल्पलाइन ते उपलब्ध ने, ते नाल उन्हां नूं प्रॉपर वैक्सीन लगाओ गलघोटू की भी मूँह खुर की भी, ये तुसीं ध्यान रखना है। बाकी देखो ये है भी अखीर ते मैं तुहानूं यही कहूँगा भी जिहड़ा कृषि हैल्पलाइन चैनल है तुसीं इहनूं सबसक्राइब कर सकते हो, अपने जिहड़े क्वेश्चन हैगे तुसीं मैनूं व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर नीचे उपलब्ध है, इहदे नीचे जिहड़ा कमेंट बॉक्स है तुसीं उस भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। पर ये ध्यान रख्या करो भी सवाल आपां इस तरह पुछिए भी उहदा कोई दूसरिआं नूं भी फायदा होवे, चंगीआं चीज़ां दूजे नाल शेयर करिए। सो अपना विषय चलदा रहूगा जी। देखो बदलाव जिहड़ा असीं कर रहे हां हुण इहदे विच सरकारां कर रही हैं जिहड़ियां चंगीआं चीज़ां ने
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।